क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम ऋषभ है। ऋषभ किस तरह ये एक्सीडेंट हुआ, क्या जानते हैं? ये हमारे गांव के हैं रणदीप रंजीत सिंह, सानो मंगल सिंह हैं, और वो इधर ढाणी से निकल के अपना सड़क क्रॉस कर रहे थे और वहीं पे मौके पे गाड़ी ने उनको उड़ा दिया। कौन से गांव? ये बुर्जकर्मगढ़ गांव के हैं और वो अपने ससुराल गांव इधर वैदवाला के साथ ढाणी है वहाँ से निकल के आ रहे थे, अपने ससुराल गए हुए थे। किस साइड जा रहे थे सर वो? ये सिरसा आ रहे थे। हाँ जी। तो कितने बजे के करीब ये सुबह 10:15 का टाइम? तो बाइक पर कितने लोग? बाइक पे थे। हाँ जी। क्या नाम वगैरह क्या है? उनका रणदीप। वो सड़क क्रॉस कर रहे थे, उन्होंने गाड़ी एकदम ठोक दी गाड़ी वाले ने और फुटपाथ पे जाके रुक गया गाड़ी और बंदा जाके शीशे पे लगा है, उसके बाद वो जाके गिरा, उसकी दोनों टांगे टूट गई हैं, पट भी टूट चुका है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है उसका। गाड़ी वाले का क्या बना था? गाड़ी वाला मौके पे चला गया था, वहाँ पे नहीं था, भाग गया साथ ही साथ। बड़ी हैरत की बात है, क्रेन से गाड़ी को उठाने की। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं उसको साथ की साथ ही गाड़ी में बिठा के हॉस्पिटल लेके आया हूँ, उसके बाद उसके घर वाले आ गए हैं, उसका भाई आ गया यहाँ पे दीप, और उसके बाद मैं मौका संभालने के लिए गया हूँ, मैं कि बाइक, उसका भाई बोला बाइक संभाल ले जाके, मेरे गांव का ही है, मैं भी उसी गांव का ही हूँ बुर्जकर्मगढ़ का, तो मौका संभालने गया हूँ, वहाँ पर देखा मैंने क्रेन आ गया, वो वहाँ पर गाड़ी उठाने के लिए जा रही थी, तो उससे पूछा, कहता भाई मेरे को तो उसने बंदे नहीं भेजा, गाड़ी उठा ला जाके, तो वहाँ पे मौके पे पुलिस आ गई है और बात करके उनसे मैंने गाड़ी नहीं उठाने दी और पुलिस के हवाले कर दी गाड़ी, और पुलिस वहाँ पे अपना हिम्मत सिंह से थे, हिम्मत सिंह जी अपने मौके पे लेके अपने कब्जे में लेके गाड़ी सदर में ले गए गाड़ी, मतलब कि उन्होंने अपनी गाड़ी उठवाने की पूरी कोशिश करी थी, भी वहाँ पे मौके पे पूरे सबूत मिटा दी जाए। तो ऐसे गाड़ी चलने के क्या कार्रवाई की मांग करेंगे? कार्रवाई सर अभी तक आए नहीं सर वहाँ पे, सर हमारा बंदा भी ठीक होएगा तभी सोचेंगे क्या करें क्या ना करें, कार्रवाई तो करेंगे सर, कार्रवाई पूरी करेंगे सर।